जब आपको लग रहा था कि चेल्सी चलसी ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी सो मेनी प्लेयर्स इतनी सारी है, अब कोई नहीं आने वाला बट चेल्सी आउट ऑफ नो जिस प्लेयर से लिंक भी नहीं हो रहे थे एक दिन के अंदर उसकी डील कंक्लूड करती है कोल पार्मर इज गोइंग टू चेल्सी क्योंकि हेर वी गो आ चुका है चालीस प्लस पांच की डील है इसके बारे में बात करेंगे व्हाट डज इट मीन फॉर सिटी एंड हाउ मच सेंस डज इट मेक फॉर चेल्सी क्योंकि पैंतालीस मिनट में ऐसा प्लेयर कर रहे हो जो उसने अभी तक अपने आपको प्रूव नहीं किया भाई डेफिनेटली ही हैज टैलेंट बट प्रीमियर लीग में उसने या फिर किसी भी और लीग में अपने आपको प्रूव नहीं किया तो ये कितना बड़ा रिस्क होगा चेल्सी की तरफ से

अगर आप Amrabat की सागा देखोगे ना एक तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है कि हाउ द ग्लेजर्स रन द क्लब एंड हाउ बैड दे रन द क्लब भाई क्योंकि आप देखो मैं आप एक ट्वीट दिखाऊंगा उसको ट्वीट पे जाने से पहले मैं ये आपको एक कॉन्टेक्ट दूंगा दिस इज द क्लब मिलियन ओवर स्पेंट ऑन हॉलैंड ओवर स्पेंट ऑन उंट एंड आई वु दी वैल्यू फॉर मनी डील इन दिस हॉलैंड का अभी नहीं कह रहा हूँ कि हॉलैंड के लिए ओवर स्पेंड कर दिया us, तो वो वैल्यू हमारे लिए निकल जाएगी लॉन्ग टर्म में बट मैं अगर खाली वैल्यू फॉर मनी इस समय में कहूँ मैं ती, तीन मैच हो चुके हैं तो वो हमारे लिए समय खाली ओन आना है इन दट की हमने क्या पे करा उसके लिए क्वालिटी ऑफ कीपर वी आर गेटिंग ठीक है बट अब आप देखो एमराबेट वाली सातना खर्चा कर दिया सब पे एंड नाउ वी आर एट ए सीचुएशन की हम एफ एफ पी से हमारे, हमारे लिए कंसर्न बन गए की एफ एफ पी की वजह से ऑन स्ट्रीन की ट्वीट आप लोगों ने देखी होगी ऑन स्ट्रीन की ट्वीट पे आया था दक्षिण चैनल पर जब लाइव uh, करे तो उस समय ऑन स्ट्रीन की ट्वीट आई थी कि भाई यूनाइटेड इज गोइंग फॉर अ लोन बिकॉज एफ एफ पी के अंडर पॉसिबल नहीं है ये अब देखो मेरे को ना समझ नहीं आ रहा हाउ इज नॉट हाउ इट इज नॉट पॉसिबल अंडर एफ एफ पी बिकॉज पता ये अपने पैर पर पे कुड़ी मारने वाली हरकत है क्यों क्योंकि भाई आप टॉम ने आप देख सकते थे तीस मिलियन मेंच वु बी तीस मिलियन प्योर प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट होता वो तीस मिलियन क्योंकि वो आपका अकेडमी का प्लेयर था ठीक है आप मेघवायर को तीस मिलियन में बेच सकते थे ठीक है मेघवायर नहीं जाना चाहता था बट आई वुड से वुमने वाली डील पे यूनाइटेड वॉज इन द कंट्रोलिंग सीट ड्राइवर सीट पे थी ठीक है आपने उसको बेचा नहीं एंड नाउ यूर एट अचुएशन जो आपको लाले पड़ रहे हैं अ हैज बिकम कंसर्न फॉर यू तो मुझे ये देखो ये अब लोग कहते हैं कि भाई तुम खर्चा होते हो बट एक बात होती है ना खर्चा करना एंड हैविंग मनी लेफ्ट ओवर एंड स्पेंडिंग प्रॉपरली वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अब आप सिटी का ही हम कोल पार्मर वाले मूव की बात करेंगे ठीक है आप इससे देख लो कोर पामर ने डाली थी, जो के जो डिटेल्स है, तो है इंस्टॉलमेंट में मतलब इतनी, इतनी किल्लत तो हो रखी है पैसों की ठीक है एक एक मिलियन के इंस्टॉलमेंट में दोगे एंड दो आर नॉट बार्सिलोना भाई ठीक है मैं बार्सिलोना का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यहाँ पे बार्सिलोना को बिकॉज ऑफ द रूल्स यहाँ से प्रॉब्लम नहीं रही है क्या भाई मुझे क्यों थोड़ा मुझे तोड़ तोड़ नहीं रहे भाई मैं मतलब अपना ये कह रहा हूँ बारसा को एक्चुअली रूल से प्रॉब्लम हो रही है बारसा की दिस इज आई वुड से कि एक्चुअल एक्चुअल प्रॉब्लम है दिस इज नॉट समथिंग वुब्लम हैज डन लपोटा एक तरीके से पूरी आप कह सकते हो जो खिचड़ी पकी हुई है उसको बटोर रहा है इस समय इस समय दैट इज नॉट लपोटा इज डूइंग बट आप ग्लेजर्स की बात में ग्लेजर्स हैव बीन इन कंट्रोल द होल टाइम दिस इज डन मेंजर और ठीक है और ये जो मपटीएस मपट्टी ट्वीट है दिस कैन मेक यू अंडरस्टैंड की भाई नो मनी हैज बीन मेड अवेलेबल बाय द ग्लेजर्स अब यहाँ पे जहा पे लपोटा पर्सनल गारंटी दे रहा है

एंड वाई आएम कंसर्न इज बिकॉज आर एक्टिंग लाइक की दे आर हियर फॉर द लॉन्ग रन क्या कतरा रहेगा क्या जिमरेटलिफ आएंगे बिकॉज अगर आप इतना पेनी पिंचिंग कर रहे हो ना आप एक तरीके से तो यू यू आर नॉट गोइंग टू बी यू आर नॉट गोइंग टू यूर नॉट प्लानिंग टू सेल द क्लब क्योंकि आप एक तरीके से सोच रहे हो भाई हमारे ऑब्लिगेशन आई हमें देनी पड़ेगी दिस इज वॉट आई एम रीडिंग बिटवीन दिस मूव तो मैं इस बात से बहुत कंसर्न हूँ एंड द फैक्ट इज की भाई आपको आर्सनल के अगेंस्ट फॉरस्ट वाले मैच में दिख गया था कि कैसीमीरो जैसी कैसीमीरो ने अपने पकड़ लिया थाड समू कुछ क्रैम्प था जो भी था सबकी ऐसी तैसी हो गई थी फैन बेस में कलेक्टिवली की भाई अगर कैशमीर हो गया क्या करेंगे हम ठीक है एंड इस समय कैशमीरो नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ कैशमीरोट ऑल्सो नोट किसी भी हालत में चला गया तो हम बिल्कुल ऐसे लेने के देने पड़ जाते हैं हमारे एंड एट दिस सिचुएशन यू आर नॉट साइनिंग समी लाइक अब लिवरपूल को देखो लिवरपूल देखोपूल टू यूनाइटेड बात चल रही थी लोन फलाना फलाना बात चल रही थी दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन एंड कुड बी बुलशिट नाउ बिकॉज ग्रेविन वर्स इज नाउ गोइंग To Liverpool, as things stand, वो पे 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 जा रहे है, Liverpool, and United यहाँ पे लोन पे भी नहीं ला पा रहे और सबसे बड़ी बात है कि भाई का अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो आप लोन पे लाओगे तो obviously चाहेगी कि भाई उसे बेच दे अदरवाइज की आप लोन पे भी भेज दो कम प्राइस पे फिर अगले साल आप फ्री में लूज कर दो तो फ्यंटीना के लिए तो भाई पूरी लूज लूज सिचुएशन हो जाएगी तो, तो वो ये करना नहीं है ना सीरियसनेस लोग बात कर रहे थे देखो मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं था कि भाई चलो हम जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर रहे हैं जून में हमारे काफी स्टूडेंट जून में हमारे आई थिंक तीन को आ चुके थे बट आफ्टर दैट वेपन जुलाई चला गया पूरा यू हैव नॉट बीन एबल टू साइन अहमदाबाद एंड आपको क्या दिख नहीं रहा कि टीम में दिक्कत है आपको दिख नहीं रहा कि इतनी इंजरीज हो रही है प्लेयर्स को आर यू वेटिंग फॉर मुझे समझ नहीं आ रहा तो भाई मैं बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ ग्लेजर से तो मैं बिल्कुल उप चुका हूँ पक चुका हूं मैं आई थिंक इफ राइवल फैंस डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव यार आपको थोड़ा सा इनसाइट में देने की कोशिश कर रहा था कि जस्ट सी एक होता खर्चा करना कैसे करना होता है मैं ये दिखाना चाहता था कि खर्चा आप करो एंड यू आर नॉट विलिंग टू पुट योर ओन मनी इन भाई दिख रहा है दिस इज दिस इज द लेकिन वर्ष लेवल ऑफ ओनरशिप में बात करता हूँ ना एंड पता पूरी रीजन क्या है इसकी आप ये बेचना नहीं चाहते ये वो नहीं करना चाहते आप ये देखो कि उनके बाप ने तो क्लब खरीदा था ठीक है मैलकम ग्लेजर बॉट द क्लब ये वो नहीं होता है कि बिगड़ी बाप की औलाद है जिसको बस पैसा खर्चना आता और कुछ नहीं करना आता दिस इज वॉट द्लेजर आर उनको क्लब इनहरेट हो गया एंड दैट इज वॉट देर डूइंग दे डोट नो हाउ टू रन द क्लब देर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द क्लब टू वर्ड सक्सेस एंड यहाँ पे आप सिटी को देख लो भाई सिटी के अनप्रूवन प्लेयर जैसे उत्कर्ष ने कहा था कोल पारर इज गोइंग फॉर फोर्टी फाइव मिलियन फोर्टी फाइव मिलियन में जा रहा है जो प्लेय जो एक तरीके से योर जस्ट इट्स अट्ठार्ट इन द डार्क बट सक्सेस आपकी जब आती है ना तो आपके प्लेयर्स भी सक्सेस की वजह से जज होते हैं या आप ये चीज देखो अकेडमी में आपके जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये सब प्लेयर आ रहे हैं ना इनको आप ऐसे जज करोगे कि यार ये भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेक्टर वाले होंगे एवरीबडी विल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू एंड वन आपके प्लेयर्स ही कुछ नहीं कर पा रहे फर्स्ट टीम में तो अकेडमी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर आप एक एक मिलियन में प्लेयर्स को भेजोगे दट इज द विद यूनाइटेड राइट नाउ ट्रांसफर की मैंने ऐसे बात नहीं की बट की आप सिचुएशन समझो मैं आपको कॉन्टेक्ट देने की कोशिश कर रहा था और कोल पार्मर की तरफ भी आते क्योंकि पैंतालीस मिलियन फॉर अ प्लेयर फुल खेला सेट day day तो, है उसके पास ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर बट इस प्लेयर के लिए पैंतालीस मिलियन देना थोड़ा सा मतलब यह है क्या चलसी क्यों एक तो इस प्लेयर के पीछे जा रही है एंड वाट द मार्केट इज अबाउट भाई इतने मतलब चलो वो थोड़ा ज्यादा पुराना हो जा रहा हो लेकिन सात आठ नौ दस नौ साल पहले भाई बेवो कोस्टा जैसे प्लेयर बत्तीस मिलियन में मिलते थे गोल भी नहीं मारे लीग में वो मैं कोल पॉनर की वेस्ट नहीं कर रहा हूँ जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ क्रेज द मार्केट इज गोइंग फॉर फोर्टी फाइव मिलियन अब तो मुझे फोर्टी फाइव मिलियन पार्टनर गया ना मुझे माउंट की डील भी कम लग रही है सही बता रहा हूँ अगर आप वो देखो तो माउंट स्टिल प्रीमियर लीग उस हिसाब से कोल पॉनर कंपेरिजन करो ट्रॉफी अचीव कर लिया है लेकिन पर्सनल नहीं है अगर आप देखो तो वैसे तो दे आर नॉट प्लेंग विदर विंगर क्योंकि बट इफ दे वॉन्ट टू सो थ्री फोर थ्री देव मुद्रिक देव स्टर्लिंग देव नोनी मोडोके एंड पालमर आ जाते विंगर होंगे तो भले चेल्सी जितने भी प्लेयर कर ले, लेकिन उस एरिया में उनके पास डेप्थ नहीं थी और कह सकते गैलेगर वहां खेल सकता का, who, who striker, क्योंकि वो तो है नहीं। a -a wing, क्योंकि पे ही खेलता था बट ही इज इंजर्ड वो कब तक वापस आएगा तो, तो चेल्सी को भाई डेप्थ तो चाहिए थी मैं डिनाई नहीं कर सकता बट क्या कोल पार्मर बेस्ट ऑप्शन था वो मुझे नहीं पता भाई क्योंकि अंशु फाटी से प्लेयर भी अवेलेबल है देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अंशु फाटी इस पार्मोर से बेटर फाटी फारी इंजरी ग

लॉन्गे really लॉन्ग तो में भी एस्टेन पर एस्टेनोला कवर करेगी एंड यस yes, वही मैं फार्टी वाली मूव की बात कर रहा था डू सेनी केस बट यही वेट फॉर डि टॉक्टियर सोर्स ये सोरेस जरा रहता है तो कैंसिल होगा यही कल तक वो रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि इसके जाने से लॉन्ग लेके जाने से जो जगह खाली होगी उसके शायद हम can... शायद ही अभी शायद कैंसिल रजिस्टर कर पाए एंड इफ फार्टी लीव्स डेफिनेटली आई थिंक हैज टू कम इन मतलब फिर अगर आप वहां पर विंगर नहीं ला थो, फिर थोड़ा सा मतलब रिस्की हो जाएगा इफ गेट्स इंजर्ड तो फिर आपकी फ्रंट लाइन दिक्कत में आ जाएगी भाई तो अगर फार्टी जाता है आई थिंक फीलिक्स इज कमिंग इन हंड्रेड परसेंट नहीं आता है तो आई एम नॉट श्योर वॉट इज प्लानिंग क्यों फार्टी को फिर आपने जाने दिया अगर आप किसी और को अंदर नहीं ला रहे थे मेरे ख्याल से देखो सिंपल लोन मूव वेरियस

सलाह ने भी कह दिया कि अगर लिवरपूल मुझे नहीं बेचेगी तो मैं उसका ओपिनियन रिस्पेक्ट करूंगा सलाह काफी पहले एक एक, हफ्ते एक एक दिन पुराना स्टेटमेंट है बट उस समय मैंने कहा था और अभी भी वही सिचुएशन सही हो रही है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नॉट इन दिस डील वादे तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई जब वो क्रेजी मनी होता ना कि जितना आपने अपने करियर में नहीं कमाया उससे आप तीन साल के अंदर कमा सकते हो तो किसी भी प्लेयर के सर घूमेगा तो क्या इस पॉइंट पे भाई ये डील होते देख सकते हो कंसीडरिंग लिवरपूल हैव एब्सोल्युटली नो टाइम टू रिप्लेस मोहम्मद सलाह एंड जो सऊदी की लीग है लीग की जो भाई विंडो है उसमें वैसे तो टेक्निकली फीफा के हिसाब से बीस तारीख तक खुली है लेकिन वो नए प्लेयर सात सितंबर तक ही रजिस्टर कर सकते हैं तो विंडो इज स्टिल ऑफ सितंबर ओपन लेकिन स्टिल सेवन तो जो सिस्टम उसको मुझे समझ नहीं आया पर सेवन तक का जो तो टाइम है आपके पास दे हैव वन वीक मोर दैट इज फॉर श्योर तो इस गोइंग एंड इफ ही लीव्स भाई लिवरपूल क्या करने वाली है देखो भाई अगर आप देखो कि कोई क्रेडिबल सोर्स है अगर ये न्यूज आई हो तो नहीं आई है बट हमने ट्विटर पे भी जब मैंने इसको कोट ट्वीट कोट ट्वीट किया था कोट ट्वीट किया कोट ट्वीट किया था मैंने के आरगे फ्योर टाइम जो एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट है काफी अच्छी फॉलोइंग ट्विटर पर उस हिसाब से ही मतलब लीगा और, इन तो और, तो और जितना इन्वॉल्व उस पर मैंने इसलिए ट्विटर पर भी हमारे डाला था अगर आपने फॉलो नहीं करा ट्विटर पर तो भाई देख सकते हो आप एस एल पंडेस का फॉलो कर सकते हो तो मैंने पोल डाली थी और उस पर भी बिल्कुल ही स्प्लिट है मतलब आप कह सकते हो ना कि ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी है की पीपल फील दैट सलाम विस्ट स्लाइटली ज़्यादा लगता है लोगों की सलाह छोड़ के चला जाएगा एंड पीपल फील ही विल नॉट गो तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करो no यू जो आप जोटा को और आप नोनियस को जो ये रोटेट कर रहे थे और आप इनको रेस्ट दे रहे थे जो भी कर रहे थे आई थिंक दैट ऑप्शन से एक प्लेयर्स को आप बना दोगे सीधे स्टार्टर एंड आई डोंट इफ सलागोस रिप्लेसमेंट नहीं आएगा

ये सब चीजें आप रिप्लेस कर नहीं रहे हो उसमें आपको इतना बड़ा आप कह सकते हो बॉम्ब बॉम्बस फटके आपका सलाह जा सकता है यू यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी इन आई एन आई फील मतलब अगर लिवरपूल को बेचना है सला दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल सला कायदे से देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलाह को बेच देना चाहिए मैं ये कह रहा हूँ इफ दे वॉन्ट टू सेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर सलाह सऊदी सऊदी से ज्यादा कोई पैसे नहीं देगा एंड इफ यू कैन गेट दैट मनी यू यू माइट नॉट बी एबल टू स्पेंड इट राइट नाउ

वैसे मुझे कायदे से से देखो मैं उत, उत, मतलब से मैं मतलब रैप करने पहले डू एक्चुअली फील कि फॉरवर्ड डेप्थ है कि की की है है रिप्लेसमेंट की जरूरत आउटपुट में बट अगर आप लेग्स की वजह से अगर आप नंबर करने की बात करो तो डेप्थ है उनके पास भाई। तो, अगर हो जाती, तो हार्वी एल से प्लेयर है लेकिन वही बात है जो आप क्वांटिटी तो रिप्लेस कर दो क्वालिटी कैसे रिप्लेस करोगे लिवरपूल के लिए एंड वो ये बात है कि इस समय अगर आप किसी को भी लाते हो इट इज प्योरली अ पैनिक बाय तो इट्स बेटर टू स्टे जो आपके पास ऑप्शन है जो आपको दे सकते उनके साथ रुको और फिर आप जनवरी में जाके सेंसिबल करो और अगर सलाह जाता भी है मेरे ख्याल से इफ ही गोस्ट विच इज अ बिग गिफ्ट तो भी जो लिवरपूल स्पेंड करेगी भाई वो जनवरी में ही करेगी इस विंडो कुछ भी स्पेंड नहीं होने वाला और जाते जाते एक छोटी सी अपडेट जो फार्टी के बारे में थी मैं भूल गया आपको देना कि ब्राइट भी इंटरेस्टेड है में दे वांट टू टेक

एंड ब्राइटन मतलब जगह का नाम ही ब्राइट एन चिन्ह ने ब्लॉग डाला भी था तो याद होगा जिसने ब्लॉग देख लेना दट है अपडेट ये थी कि गार्सिया के लिए uh, आया था एरिक गार्सिया ने कहा मुझे जाना है जविनका तो नहीं जाना है पर ये है कि अगर परमानेंट मूव आ जाता है गार्सिया के लिए तो शायद करे बट अ लोन मूव इज नॉट पॉसिबल तो देखते गारे देता है अगर आता है तो भाई प्लीज भेज दो के लिए वे दोस्ट तो नहीं आ रहा है बट वील सी वॉट हैपन लाइन डे कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे भाई आप तो गिव इट अ बिग थम्स अप और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वेरी क्लोज टू ट्वेंटी थ्री के भाई सौ से भी कम सब्सक्राइबर बचे हैं एंड दो दिन बचे हमारे पास तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेलेक दबा दीजिए टेक केयर एंड विल कैच एंडवील कैचमारो